मोबाइल अगर चोरी हो जाए तो एक अलग ही हेडक होता है कि कहीं मेरे फोन में जो डाटा है या जो मेरे फोन में पर्सनल फोटोज है उसका कहीं मिसयूज ना हो जाए, या मेरे जो फोन में लॉग इन ऑलरेडी पेटीएम है, जीपे है, कहीं उससे जो है कोई फंड ट्रांसफर ना कर ले। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे जो है ऑनलाइन कंप्लेन की जाती है, कैसे अपने फोन को ब्लॉक किया जाता है, या कैसे जो है आप अपने IMEI नंबर से कैसे पता कर सकते हैं कि आपका फोन एक्चुअल में है कहाँ। लेकिन मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूँ दोस्तों, कि अगर आपका फोन चोरी हो गया है, आपको जैसे ये डब्बा भी नहीं आपके घर पे, और आपने कहीं ना ही अमेजोन से फोन परचेज किया, ना ही आपने फ्लिपकार्ट से परचेज किया, आपने किसी दुकान से परचेज किया जहां पर आपको दुकान पे, लेकिन आपको वहां पर जो है एक्चुअल में जाना पड़ेगा। अगर मान के चले कि आपको IMEI नंबर नहीं पता है, तो उस केस में आपको उस शॉप पे जानी पड़ेगी जहां पर आपने फोन चाहे 1 साल पहले या 2 साल पहले या 3 साल पहले परचेज किया था, तो वही एग्जैक्ट आपको बता पाएंगे कि आपके जो फोन का था IMEI नंबर क्या था। अगर वो नहीं है तो उस केस में आप नहीं कर पाएंगे अपने फोन को ब्लॉक, क्योंकि वो एक तरीके से जरूरी है। ऑनलाइन जब आप कंप्लेन करने जाएंगे तो आपके पास दो चीजें होनी चाहिए। एक, अगर मान के चलिए आपके डब्बे पे वो नंबर लिखा हुआ है तो आपके लिए ठीक है। दूसरा, एक आपके पास 0 FIR, या आपने जो पुलिस स्टेशन में जाके नियर बाय जहां पे भी आपना चोरी हुआ है तो वहां पर जो है आपने FIR जो भी कराया होगा तो कंप्लेन होगी, तो वो जो है कंप्लेन नंबर आपको वहां पर देना है, और उसका फोटो जो आप खींच के उसको अपलोड करना पड़ेगा, तभी जो है आप उसको ऑनलाइन जो है कंप्लेन सबमिट कर पाएंगे। अगर ये चीजें नहीं है, मान के चलिए कि पुलिस की कंप्लेन है सिर्फ, तो हो सकता है कि आपको ऑनलाइन सबमिट आप ना कर पाए। लेकिन अगर आपके पास ये दोनों चीजें हैं तो आप ऑनलाइन इस चीज को सबमिट कर सकते हैं और आपका जो भी प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट हो पाएगा। देखिए दोस्तों, जब आप फोन परचेज करते हैं तो जाहिर सी बात है कि आपको बॉक्स में मिलता है। अब जैसे इसमें भी जो है IMEI नंबर है। अब ये फोन अगर आपने, इवन ये भी आपको दिखाऊं, तो इस जो ये आईफोन है, ये जो मैंने कुछ टाइम पहले परचेज किया था, तो इसपे भी जो है बैक साइड पे वो नंबर मेंशन है। तो अब जाहिर सी बात है दोस्तों कि काफी बार ऐसा होता है कि हमको ये नहीं पता चलता कि आप कंप्लेन किया कैसे जाए, सही वेबसाइट क्या है। तो वो वेबसाइट मैं आपको बताऊंगा, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने वो लिंक आपको दिया हुआ है, आपको वहां पर जाना पड़ेगा। तो मैं आपको अपने जो है लैपटॉप की स्क्रीन पे लेके जाऊंगा, वहां पर आपको दिखाऊंगा कैसे जो है आप इसको जो है ऑनलाइन कंप्लेन कर सकते हैं, और कैसे आप पता कर सकते हैं कि आपको फोन एक्चुअल में है क्या। लेकिन आज के डेट में दोस्तों, आजकल ऐसे ऐसे ऐप आ गए जो पेड ऐप आ गए, जहां पर जो है आप फाइंड कर सकते हैं। काफी सारे ऐसे ऐप है जिसके थ्रू जो है आप अपने फोन को पता कर सकते हैं कि आपका एक्चुअल में फोन है कहाँ। आपने देखा होगा कि काफी सारे ऐसे ऐप आते हैं जो आप फोन परचेज भी करने जाते होंगे तो वो भी आपको बताते होंगे, सर इस ऐप से आपका फोन कभी चोरी नहीं होगा। काफी लोग इंश्योरेंस भी करवा लेते हैं, लेकिन काफी कॉस्टली फोन पे कराते हैं। लेकिन 10,000 के, 12,000 के, 15,000 के फोन पे कौन कराता है इतना, कोई फाइनेंस वगैरह या कोई भी इतना सिक्योरिटी कौन लेगा। लेकिन हाँ, ये है कि ये चीज आपको जरूर रखना चाहिए अपने पास, ताकि इन फ्यूचर अगर फोन चोरी हो जाता है तो डाटा का कहीं मिसयूज ना हो, कोई फोटोज का कहीं मिसयूज ना हो। सबसे ज्यादा टेंशन ये रहती है, फोन चोरी हो जाएगा वो नया आ जाएगा, लेकिन जो डाटा है आपका उसका कहीं मिसयूज ना होना चाहिए। तो इसलिए जो है वो फोन को ब्लॉक करना बहुत ही जरूरी है। तो इसलिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि कैसे जो है आप उसको ब्लॉक कर सकते हैं, किस साइट पे जाया जाए। तो उसी साइट पे लेके मैं आपको चलता हूँ, वहां पर जाके दिखाता हूँ कि कैसे इसको ब्लॉक किया जाता है। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, मैंने ऑफिशियल वेबसाइट ओपन की है टेलीकम्युनिकेशन की। अगर आप इस लिंक पे जाना चाहते हैं, मतलब यही पेज ओपन करना चाहते हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, आप उस पर टिक करेंगे तो यही पेज आपका ओपन होगा। आपका फोन चोरी हो चुका है, आपको डर है कि कहीं फोटोज का या डाटा का मिसयूज ना हो जाए, तो सीधे इस वेबसाइट पे जाइए। अगर आपके पास कोई मोबाइल नंबर फिलहाल नहीं है तो एक मोबाइल नंबर आप सेलेक्ट कर लीजिए, अपने फ्रेंड से ले लीजिए, या अपने जो माता पिता है उनसे ले लीजिए, या वाइफ है तो उनका एक मोबाइल नंबर, क्योंकि उस पर OTP जाने वाला है, और वो OTP आपको लास्ट तक काम आएगा। कहने का मतलब वो जो नंबर आप देंगे वो लास्ट तक आपको रखना है, ताकि OTP सबमिट करके ही यहाँ पर आपका कुछ होने वाला है, क्योंकि फ़ोन आपका चोरी हो गया है, OTP के लिए आपके पास कोई मोबाइल नंबर नहीं, मतलब कोई सिम ही नहीं है। तो उस केस में आप किसी फ्रेंड सर्कल से भी लेके आप आगे प्रोसीड कर सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं ब्लॉक स्टॉलन लॉस्ट मच, जो रेड कलर में है, आपको इसको यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो आपके पास फॉर्म ओपन हो जाएगी। तो मैं थोड़ा जल्दी से आपको बता देता हूँ कि कैसे कैसे क्या करना है। अब देखिए, यहाँ पर एक चीज़ है कि जिस पे यहाँ पर रेड कलर का साइन है, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 1 के ऊपर जो है स्टार बना हुआ है, तो वो तो मैंडेटरी आपको फिल करना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिए जिस पे OTP आएगा, उसके बाद यहाँ पर सेकंड पे डालें या ना डालें कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद आपके पास IMEI नंबर है तो आप यहाँ पर डाल दीजिए, आपको बॉक्स में होगा तो वो डाल दीजिए। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, परचेज इनवॉइस होगा आपके पास, अगर आपने जब फ़ोन परचेज किया होगा तो उसने दिया होगा आपको बिल, तो ये यहाँ पर जो है आप अपलोड कर दीजिए यहाँ पर।
उसके बाद आपको जो है ब्रांड सेलेक्ट करना है, कौन से ब्रांड का जो है आपका फ़ोन था, एलजी का था, एप्पल का था, या आपका सैमसंग का था, नोकिया का था, जो भी एक्स वाई जेड था, वन प्लस का था, तो वो ब्रांड सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद मॉडल कौन सा था तो वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। ये जो है आप इजीली जो है फिल कर पाएंगे, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। सेकंड वाला जो स्टेप है, जहाँ पर आपका फ़ोन चोरी हुआ है, काफ़ी लोग कहते हैं कि सर आप मेरे को कैसे पता चलेगा कि सर मेरा फ़ोन चोरी कहाँ हुआ। अब देखिए, जैसे जाहिर सी बात है कि दोस्तों, अगर आप ट्रेन में, आपका कोई रेलवे स्टेशन पे फ़ोन चोरी हो जाता है, आप कहीं सेल्फी ले रहे हैं, किसी ने फ़ोन खींच के आपका भाग गया, तो जाहिर सी बात है कि दोस्तों चलते ट्रेन में पॉसिबिलिटी नहीं है कि कोई चलते ट्रेन से जो है आपका फ़ोन चोरी कर ले। हो सकता है कि किसी स्टेशन पे हो और वहाँ से कोई अंदर घुसे और कुछ स्नैच करके भाग जाए। तो उस रेलवे स्टेशन का या जिस बस, जहाँ बस में हैं, तो आप जहाँ ट्रैवल कर रहे हैं, तो उस एरिया पे जहाँ पर आप कंप्लेन करते हैं, आपको याद आता है कि मेरा फ़ोन चोरी हो गया, तो वो एरिया का नाम या जगह वो लिखना है। अब किस जगह पे चोरी हुआ है, अब एग्जाम्पल के तौर पे मान के चलिए कि जिस स्टेट पे चोरी हुआ है, मान के जो यूपी में मेरा फ़ोन जो है चोरी हो गया, मैंने यहाँ पर उत्तर प्रदेश लिखा, अमेठी में चोरी हुआ था, अब यहाँ पर मैंने अमेठी सेलेक्ट कर लिया। अब वो जगह जैसे आपने सेलेक्ट कर लिया, तो आपको यहाँ पर पुलिस कंप्लेन नंबर लिखना होगा, जहाँ पर आप पुलिस कंप्लेन कराएंगे, पुलिस स्टेशन सेलेक्ट करना पड़ेगा आप, जहाँ पर आपने जो है कंप्लेन किया है। अब जैसे अमेठी में मैंने फ़ोन जो है मेरा चोरी हुआ, मैंने वहीं कंप्लेन करवाया, तो मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लूँगा अमेठी। उसके बाद पुलिस कंप्लेन जो आपका वहाँ पर, अगर ऑफलाइन करवाते हो तो ऑफलाइन जो है आप उसका फोटो क्लिक करके यहाँ पर अपलोड कर सकते हो। कंप्लेन जो पुलिस कंप्लेन आप करवाओगे, उसको जो है जीरो FIR जिसे कहते हैं, उसको भी आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हो। जहाँ पर चोरी हुआ, मतलब जिस दिन चोरी हुआ, वो डेट आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है, सिर्फ ये डिटेल यहाँ पर फिल करनी है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपको एक चीज़ ध्यान देना है कि इस जगह पे जो है आपको ये सारी चीज़ें फिल करनी है, क्योंकि यहाँ पर ये सबके ऊपर जो है स्टार है, तो इसको फिल करे बिना आप आगे नहीं जा सकते। उसके बाद आपको यहाँ पर आपकी थोड़ी पर्सनल डिटेल मांग रहा है, जैसे जैसे कि आपका नाम, आपका एड्रेस, आपको एक आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, आप कुछ भी दे सकते हैं जो आपको पता हो, आप बता दीजिए। जैसे यहाँ पर सेलेक्ट करना है आपको पैन कार्ड, एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ, आप अपना आधार, वोटर, कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं, और उसके बाद वो नंबर डाल देना है, जैसे आपका पैन कार्ड नंबर है, वो पैन कार्ड नंबर आपको यहाँ पर डाल देना है। जैसे आप पैन कार्ड नंबर डालते हैं, उसके बाद जैसे आप पैन कार्ड अपलोड यहाँ पर कर देना है, अपलोड करने के बाद आपको अपना Gmail ID, ये कैप्चा आपको डालना है, वो मोबाइल नंबर जिस पे OTP आने वाला है, वो OTP, और इसको यहाँ पर सेलेक्ट करके आप इसको आगे गेट OTP करके आगे प्रोसीड कर देना है। जैसे आप आगे प्रोसीड कर देंगे, तो एक जो है रिक्वेस्ट आईडी जो है आपके उसी नंबर पे आ जाएगा जिस पे OTP आपने सेलेक्ट किया है, मतलब जो OTP जिस पे आया है। उसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, इसको डैशबोर्ड पे जाना है। डैशबोर्ड पे जाने के बाद, अगर इन 10 दिन के बाद, 5 दिन के बाद आपको चेक करना है कि मेरे केस का क्या हुआ, तो यहाँ पर आपको जाना है चेक रिक्वेस्ट, आप यहाँ पर देख सकते हैं चेक रिक्वेस्ट स्टेटस, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर रिक्वेस्ट आईडी डालनी है, आप यहाँ पर देख सकते हैं रिक्वेस्ट आईडी डाल के यहाँ पर आपको सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आपको ये पता चल जाएगा कि आपका जो रिक्वेस्ट है उसका क्या स्टेटस रहा, तो सिर्फ यही आपको जो है यहाँ पर फिल करना है। उसके बाद यहाँ पर एक और काम है, अगर आपका फ़ोन मिल जाता है, मान के चलिए कि आप खुद ही ढूंढ लेते हैं, आपको पुलिस कंप्लेन तो कर दिया लेकिन बाद में पता चला कि फ़ोन था जो मेरे को आपको मिल गया, लेकिन आपने सारा कुछ कर लिया, आपने कंप्लेन वगैरह सब कुछ कर लिया, लेकिन आप ये सोचेंगे कि मैं उस फ़ोन को अनलॉक कर पाऊंगा, तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ से जो है आपको अनलॉक करना पड़ेगा। अब आपको यहाँ पर जाना होगा, अब यहाँ पर आपको क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद वही रिक्वेस्ट आईडी जो आपके पास आई थी वो यहाँ पर डालना है, मोबाइल नंबर जिस पे OTP आया था, उसके बाद रीज़न फॉर अनलॉक, अब यहाँ पर वो पूछेगा कि क्यों अनलॉक करना चाहते हो, तो आप लिख सकते हैं कि मेरे को खुद ही ये मिल गया, या रिकवर्ड बाय पुलिस हो गया, या ब्लॉक्ड बाय मिस्टेक हो गया, तो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आप यहाँ पर कैप्चा डालिए, फिर OTP आएगा, OTP सबमिट कीजिए, उसके बाद जो है आपका फ़ोन अनलॉक हो जाएगा। सिर्फ आपको इतना ही करना है, कहीं आपको इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है, ऑनलाइन ही सारा कुछ ये हो जाएगा। ब्लॉक कराना फ़ोन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के डेट में सारा कुछ हमारे फ़ोन में ही होता है, कहीं उसका मिसयूज़ हो गया तो इन फ्यूचर आपको प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसलिए जो है आप कहीं पर भी रहें तो इसको ऑनलाइन उसी टाइम पे, आप जैसे ही फ़ोन चोरी हुआ तो आप इसको जो है ब्लॉक करा लें, ताकि इन फ्यूचर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।